हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट है। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इस चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट करा है, जिसमें मैं आपको आने वाले टाइम में अलग अलग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानकारी देते रहूँगा। इसलिए गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हमारे कैपिटल दिल्ली को हमारे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से कनेक्ट करता है। ये इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे में लगभग 4 करोड़ ट्री को प्लांट किया जा रहा है। और जो इसका काम स्टार्ट हुआ था वो 8 मार्च 2019 को स्टार्ट हो गया था। तो हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो हाइलाइटेड पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये 8-लेन ग्रीनफील्ड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। ये इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। 4 लेन इन इस डायरेक्शन है। इसका जो टोटल कॉस्ट है लगभग 1 लाख करोड़ रुपये लगेगा बनने में। और ये हम बात करें तो मेनली मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र से होके निकलेगा। जिसका नॉर्थ एंड है वो दिल्ली है और जो साउथ एंड है वो मुंबई है। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, माना जा रहा है इसका जहां अभी आप ट्रेवल करोगे दिल्ली से मुंबई, तो आपको लगभग 24 घंटे लगेगा, लेकिन इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद 12 घंटा लगेगा। जिससे आने वाले टाइम में इंडिया को फाइनेंशियल प्लस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा इस एक्सप्रेसवे बनने की वजह से, क्योंकि टाइम जो रिड्यूस कर दे बहुत ज़्यादा, लगभग 50% टाइम ये कम कर दे रहा है। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव बात है। और जिसका प्रोजेक्ट है वो लगभग 2022 में बन के रेडी हो जाएगा, जो कि 51 पैकेजेस में कम्प्लीट होगा बन के। इस एक्सप्रेसवे में 5 एनुअल ओवर पासिस दिया गया, यानी हम सारे एनुअल ओवर पासिस को कम्बाइन कर दें तो उसका लेंथ 2.5 किलोमीटर होगा। और जो एनुअल पासिस का जो बाउंड्री वॉल होगा वो 8 मीटर होगा। एक साउंड बैरियर प्रोवाइड किया जाएगा जो 3 से 4 मीटर का होगा। और ये भी कि जो बदोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आके मर्ज हो जाएगा। जो बदोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे है उसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 380 किलोमीटर है। वो भी 8-लेन रूट है। वो मैनली कनेक्ट करता है 4 सिटीज़ को, बदोदरा, गुजरात, मुंबई एंड महाराष्ट्र। फिर हम बात करें जो इसका कॉस्ट है बदोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का, वो लगभग 44 करोड़ है। ये अनाउंस किया गया था 10 जनवरी 2020 को। तो इसके बनने के बाद ये तुरंत आगे जाके मर्ज हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। तो एक काफ़ी ज़्यादा बाकी हम बाद में बात करेंगे। अब मैं आपको कुछ टाइम के बाद वहाँ जाऊँगा तो आपको वीडियो भी दिखा दूँगा इस एक्सप्रेसवे के। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट में आप कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो में मैं किस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी दूँ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।